जोधपुर में इंटरनेट बंद, दंगाइयों ने बच्चों संग की मारपीट, बीजेपी विधायक के घर के बाहर आगजनी, जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। ईद की पूर्व संध्या पर जोधपुर में शुरू हुई हिंसा के कारण जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में 4 मई तक के लिए कर्फ्यू लागू हो गया है। 4 मई तक जोधपुर में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। जोधपुर के जालौरी गेट से शुरू हुई हिंसा सुबह कबूतर चौक तक पहुंच गई। ईद के मौके पर कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, आरोपियों ने बच्चों के साथ मारपीट की और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर आगजनी की गई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस विषय पर एक पीड़ित ने बताया कि कुछ लोग अपने हाथों में डंडे, लाठी, पाइप और रॉड लेकर आए थे। वो लोग हल्ला मचा रहे थे। हम लोग बाहर आए तो देखा कि मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा हुआ था, बच्ची को मारा है। हिंदुस्तान का यही हाल रहा तो गृह युद्ध हो जाए। एक चश्मदीद ने कहा कि पुलिस बताए कि आरोपियों के नाम क्या है। वो हमसे हिंसा करने वालों के नाम पूछ रही थी। कैमरा लगा हुआ है, सभी आरोपियों की पहचान हो जाएगी। जोधपुर में क्यों हुई हिंसा? जोधपुर का जालौरी गेट मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ ईद से एक रात पहले ईद का झंडा लगाया गया था। ऐसा वहाँ बरसों से होता आया है। इसके साथ वहाँ एक लाउड स्पीकर भी लगा था। फिर वहाँ कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुँचते हैं और खींच कर झंडा उतार देते हैं। हिंदू संगठन कहते हैं कि उन्होंने वहाँ परशुराम जयंती के दिन भगवा झंडा लगाया था। झंडा उतारे जाने के वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गए थे, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ चौराहे पर पहुँच गए और फिर पत्थरबाजी हुई। रात को किसी तरह बात संभल गई, लेकिन फिर सुबह हालात बिगड़ गए। यह स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के पास भगवा झंडे पर मुस्लिम समाज के लोगों की नज़र सुबह तब पड़ती है जब वो नमाज के लिए जुटते हैं। घटना से गुस्साए मुस्लिम समाज के लोगों ने तब पथराव और आगजनी शुरू कर दी थी। फिर चौराहे पर कई गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। फिर पथराव हुआ, भीड़ ने लाउडस्पीकर लगाए हुए उतार दिए। इधर पुलिस ने भी उपद्रवियों को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने जालौरी गेट से ईदगाह रोड पर आंसू गैस के गोले दागे। देखते देखते भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया। दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। पुलिस ने देर रात को पूरा इलाका लोगों से खाली करवा लिया। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान सरकार को निशाने पर लिया। वो बोले कि गहलोत सरकार एक समुदाय को खुश करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को तालिबान बना दिया गया है और सरकार औरंगजेबी फैसले लेती है। वो बोले कि गहलोत मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी है, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। दोबारा हथियार लेकर आए लोग। रात को ईदगाह रोड से फिर लोग हथियार के साथ एकत्र होकर आए थे और पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस ने फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर तनाव जारी है। घटना के बाद हरकत में आए सीएम गहलोत ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें डीजीपी और दूसरे अधिकारी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।